स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूँ जिसके ऊपर UKNMC सोच रही है, और वो किस चीज़ के बारे में है वो आप वीडियो का थंबनेल देख के जान गए होंगे कि UKNMC कुछ चेंजेस लाना चाहती है जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है UK आने के लिए एज अ रजिस्टर्ड नर्स, उसमें UKNMC कुछ चेंजेस लाना चाहती है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले जो मेरे इंग्लिश सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बता दूं कि इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी देन प्लीज़ गो टू डिस्क्रिप्शन एंड देर आई हैव गिवन यू अ लिंक वेयर यू कैन फाइंड अ न्यूज़ आर्टिकल विच वॉज रिगार्डिंग टूडेज वीडियो। सो यू कैन क्लिक ऑन दिस न्यूज़ आर्टिकल एंड यू विल फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन विच आई एम गोइंग टू गिव इन दिस वीडियो। तो आप अगर हिंदी जानते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो हिंदी में होने वाला है, और आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाकर भी उस न्यूज़ आर्टिकल को इस वीडियो के बाद चेक कर सकते हैं। तो UKNMC में कुछ लोगों ने कुछ पिटीशन डाले थे कि जो UKNMC का इंग्लिश लैंग्वेज का जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी अनफेयर है, जिसके कारण काफ़ी सारे लोग UKNMC के रजिस्टर पर रजिस्टर नहीं हो पाते हैं। तो उस रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस करने के लिए काफ़ी सारे लोगों ने पिटीशन डाले थे। तो अभी UKNMC ने जो पिटीशन है उस पर हम सोचेंगे करके ऐसा बोला है। अभी तक जो UK में रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट था कि आपको OET या IELTS में जो रिक्वायरमेंट बैंड है IELTS में 7 इन लिसनिंग रीडिंग एंड स्पीकिंग, और राइटिंग में 6.5, और OET में लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग में B और राइटिंग में C+, और आप ये स्कोर 6 महीने के अंदर फिर से लिख कर क्लब कर सकते थे। ये अभी तक का इनका रिक्वायरमेंट है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि यह जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी अनफेयर है काफ़ी सारे नर्सेस के लिए, तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं और उन्होंने पेटिशन डाले हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का, वो है आपका जो नर्सिंग एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट हो या आपका ग्रेजुएट एजुकेशन हो, इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, और आपका जो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन है वो भी इंग्लिश में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको IELTS या OET देने की ज़रूरत नहीं थी। और जो तीसरा एक ऑप्शन है आपको इंग्लिश लैंग्वेज दिखाने के लिए UKNMC में रजिस्टर होने के लिए, वो ये था कि आपका कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में कम से कम 1 साल का एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अभी तक का ये रिक्वायरमेंट था जो मैंने अभी बताया है। लेकिन अभी क्या है कि यह सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट काफ़ी सारे लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि UKNMC के रजिस्टर पे उनका नाम आ जाए, वो रजिस्टर्ड नर्स UK में बन जाए। तो कुछ पेटिशंस इसके बारे में UKNMC के पास आए हैं। तो UKNMC ने कहा है कि हम इसके बारे में सोचेंगे। तो जो पहले टेस्ट का रिक्वायरमेंट है जो कि IELTS या OET स्कोर आपका 6 महीने के अंदर क्लबिंग वाला जो सिस्टम था, उसके बारे में UKNMC ने कहा है कि हम इसके बारे में सोचेंगे कि हर मॉड्यूल में कम से कम कितना आपका स्कोर होना चाहिए, और क्लबिंग के लिए जो ड्यूरेशन है 6 महीने का उसको हम कम ज़्यादा करने के बारे में भी सोचेंगे, ऐसा UKNMC ने कहा है। और जो दूसरा चेंज है वो ये है कि काफ़ी सारे लोग UK में काफ़ी सालों से रहते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पास नहीं कर पाए, लेकिन वो इंडिया में या दूसरे कंट्री में रजिस्टर्ड नर्सेस थे, लेकिन यहाँ पे वो काफ़ी सालों से हेल्थ केयर असिस्टेंट का काम कर रहे हैं। तो उनके बारे में UKNMC ने कहा है कि हम इसके बारे में भी विचार करेंगे, इसके बारे में भी सोचेंगे कि जो लोग काफ़ी सालों से नॉन रजिस्टर्ड नर्सेस का काम कर रही है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, तो उनको उनके एम्प्लॉयर के रेफरेंस के द्वारा UKNMC के रजिस्टर पे रजिस्टर करने के बारे में विचार चल रहा है UKNMC का। तो ये सेकंड पॉइंट है UKNMC के द्वारा। और जो तीसरा पॉइंट है UKNMC जिसके ऊपर विचार कर रही है वो ये है कि कुछ कुछ लोग GNM या BSc नर्सिंग होने के बाद कुछ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस करते हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, और वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस शायद क्लिनिकल हो या नॉन क्लिनिकल हो, उसके ऊपर भी UKNMC सोच रही है कि जो कोर्स आपने इंग्लिश में किया है उसके बेसिस पे आपको आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकता है, इसके बारे में UKNMC सोच रही है। तो अगर ये सारे चेंजेस UKNMC करती है तो काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा होगा। कुछ लोगों का क्लबिंग का स्कोर रहता है लेकिन उनके जो ड्यूरेशन होता है दोनों एग्जाम के बीच में वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसके कारण काफ़ी सारे लोगों का UKNMC में आने का ड्रीम इनकम्प्लीट रह जाता है। तो अगर ये सारे चेंजेस आते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, शायद हो सके तो ये लोग OET या IELTS का जो रिक्वायरमेंट है उसमें भी चेंजेस ला सकते हैं। तो देखते हैं जो भी इनका फाइनल रिजल्ट आएगा, मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट दे दूंगा कि इन्होंने क्या अपडेट्स इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के ऊपर लाया है। तो आशा करते हैं कि अच्छा ही कुछ रिजल्ट आएगा आपके लिए, और जिन लोगों का OET या IELTS का स्कोर नहीं आ रहा है तो वो लोग भी शायद आने वाले दिनों में एज अ रजिस्टर्ड नर्स UK में आ पाओगे, और आपके लिए शायद
आने वाले दिनों में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यूके में होगी। तो इस वीडियो को देख के आपको ऐसा नहीं सोचना है कि चलो यूके एनएमसी स्कोर कम करने जा रही है, ऐसा हो सकता है। उन्होंने नहीं कहा है कि ऐसा होने वाला है, लेकिन इसके ऊपर सोचेंगे करके ऐसा उन्होंने कहा है। तो आपको आपकी पढ़ाई जिस तरीके से आप अभी तक करते आए थे उसी तरीके से आपको पढ़ाई करना है, आपके पढ़ाई में कोई भी ढील नहीं करना है। और जो भी अपडेट्स आते रहेंगे मैं आपको टाइम टू टाइम देते रहूँगा। और आशा करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह यह वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।